गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक, दैट इज सॉइल। सो लेट्स सी व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, वाटर एंड एयर that forms on the surface of land and support plant growth and microorganism. तो आप सभी को पता है कि soil क्या होती है actually. तो land के सबसे ऊपर की जो layer होती है उसको हम soil बोलते हैं. So what is the difference in between soil and land? तो land जो होती है, land solid material और rock से form होती है. मतलब हमारे और सरफेस का वो हिस्सा जो वाटर बॉडी के अंदर में नहीं है और जो सॉलिड स्टेट में है और रॉक के फॉर्म में है. सॉलिड और रॉक के फॉर्म, मतलब जो भी मटेरियल जो सॉलिड के फॉर्म में है और रॉक के फॉर्म में है, तो वो जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लैंड. और इस लैंड के ऊपर में जो एक कवर है, जो कवर ऑर्गेनिक मैटर का हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, मिनरल्स का हो सकता है, वाटर भी हो सकता है उसमें, मॉइस्चर होता है, एयर भी होती है उसमें, तो ये सब मिला के जो एक कवर बनता है उसको हम एक्चुअली सॉइल बोलते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. इट मे बी ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, वाटर, एयर and other things. This support to the land, ये land को ही support करती है actually. Land की top layer होने के कारण land को support करती है और जो natural vegetation होता है, plants होती है, उसको actually soil support करती है. तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि soil को हम as an resource study कर सकते हैं, right? So soil as resource. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. बहुत जगह पे अगर इंटरनेट जैसे सोर्सेस पे आप देखते हो, इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोला गया है, क्योंकि सॉइल की कुछ सेंटीमीटर की एक लेयर फॉर्म होने के लिए लाखों साल लगते हैं, और शायद इसी के कारण उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला होगा. लेकिन रिन्यू तो होती है, राइट? तो इसीलिए उसको यहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी बोला जाता है. और सॉइल नेचुरली ही एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट नेचुरल रिसोर्स. और रिसोर्स से मतलब साफ साफ है कि हम ये ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है उसको पूरा करती है. अलग अलग नीड्स को हमारी सॉइल द्वारा, सॉइल के थ्रू पूरा किया जाता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. तो इसको एक मीडियम माना जाता है कि हमारे अर्थ पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है, फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, नेचुरल वेजिटेशन डेवलप होता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल के अंदर में अपना सर्वाइवल करते हैं. तो ये सॉइल एक मीडियम है. इस सॉइल इफ द सॉइल इज नॉट प्रेजेंट, देन इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ सर्वाइविंग ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ही डिफिकल्ट हो जाएगा. सॉइल इज लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. और इसीलिए इसको एक लिविंग सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और ये जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं थोड़ी सी, थोड़े सेंटीमीटर की एक लेयर फॉर्म होने के लिए. और ये काफ़ी स्टेडी स्लो प्रोसेस होती है. वेदरिंग के कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है. सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. इसमें सभी प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं, जो आफ्टर डिकेइंग डिकम्पोज होने के बाद में कुछ बाकी अदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट के साथ में जो रॉक होते हैं पैरेंट मटीरियल, वेदरिंग के कारण जब वो फाइन पार्टिकल्स में टूट जाती है तो उसके साथ में ये सब मिल जाती है. तो उसके बाद में एक प्रोसेस के थ्रू, एक टाइमिंग के थ्रू, लाखों सालों के बाद में एक लेयर बनती है.
जिसको हम सॉइल बोलते हैं, और उसमें ये सब कंटेंट्स होते हैं। तो ये सॉइल, जब ये सॉइल बन जाती है तो इसकी भी अलग अलग लेयर्स होती है। अगर हम सॉइल के लेयर को ठीक तरह से समझने की कोशिश करें तो ये आपको फिगर दिख रही है यहाँ पे। इस फिगर में देखिए, देर आर द फोर लेयर्स, दैट मीन्स वी कैन से हियर सॉइल इज डिवाइडेड इंटू फोर लेयर्स। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल विच कंटेन्स द ह्यूमस, एंड दिस ह्यूमस मेक सॉइल मोर फर्टाइल। तो इस लेयर में एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो ग्रो होता है प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे उनको ह्यूमस मिलता है और ह्यूमस काफ़ी फर्टाइल बना देता है इस टॉप लेयर को। तो ह्यूमस में वो सब कंटेंट्स होती है जो किसी नेचुरल वेजिटेशन को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए या इम्पॉर्टेंट होते हैं। टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर होती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। इस सब सॉइल के कंटेंट जो होते हैं इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले मटीरियल होता है। उसके बाद वाले नीचे की जो लेयर है, जो यहाँ पे येलो कलर से शो की गई है, तो इसको वेदर्ड रॉक मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि वेदरिंग के कारण यहाँ के जो पैरेंट मटेरियल होते हैं वो टूटने लगते हैं इंटू अ फाइन पाउडर, और यहाँ पे स्टोन पीसेस एंड रॉक पीसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो वेदरिंग का मतलब सीधा सीधा टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर, रेनफॉल, प्रेशर, इन सब चीज़ों से है। इन सभी फैक्टर की अफेक्ट के कारण यहाँ के रॉक टूटने लगते हैं और ये सॉइल के थर्ड लेयर में होते हैं। तो ऊपर से जो वाटर सीप होता है, तो ऊपर से जैसे फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर में भी नंबर ऑफ पीसेस होने के कारण वाटर सीप हो जाता है इंटू अ फोर्थ लेयर, दैट इज द पैरेंट रॉक, या तो इसको बेड रॉक भी बोलते हैं। जो फोर्थ नंबर की लेयर है उसको हम पैरेंट रॉक बोलेंगे या तो फिर बेड रॉक बोलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉलिड होते हैं, सख्त होते हैं, और ये यहाँ पे वेदरिंग न होने के कारण ये इनके नेचुरल फॉर्म में होते हैं, और इसके नीचे वाटर सीप नहीं होता। और इसी लेयर में टॉप इसके टॉप साइड में ऊपर से सीप होने वाला वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिसको हम अलग अलग टेक्निक्स की मदद से निकाल सकते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हमारे डेली नीड्स के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमें ये देखना है कि ये जो सॉइल फॉर्म होती है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन के काम में एक तो मदद करते हुए या उसको थोड़ा बहुत एज एन ऑब्स्टेकल रोल प्ले करते हो, तो ये देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो पैरेंट रॉक। तो पैरेंट रॉक से क्या पता चलता है और पैरेंट रॉक का क्या रोल होता है? तो जैसे इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है जो अलग अलग टेक्चर में है, जैसे नदर्न प्लेन में अल्युवियल सॉइल पाई जाती है, तो डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो वेस्टर्न, ईस्टर्न और कुछ हिली एरिया में आपको लैटराइट सॉइल मिल जाएगी, तो कुछ हिस्सों में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगी। तो ये अभी जो मैंने बात की अल्युवियल ब्लैक, लैटराइट रेड एंड येलो, या तो फिर अरिड सॉइल या तो फिर फॉरेस्ट सॉइल, तो ये डिपेंड करता है पैरेंट रॉक के ऊपर में, क्योंकि रॉक का कलर जिस टाइप का होगा, टेक्चर जिस टाइप का होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जिस टाइप की होगी, तो ये काफ़ी कुछ इसके ऊपर में डिपेंड करता है उस रॉक के ऊपर में। और उसके बाद में उसका वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग होने के बाद में एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में उसी रॉक से सॉइल फॉर्म होती है। तो वो सॉइल का टेक्चर कलर भी उसी पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ही होगा, इसीलिए आपको ये पेरेंट रॉक याद में रखना है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है रिलीफ। तो रिलीफ में हम बात करते हैं अल्टीट्यूड की, स्लोप की, क्योंकि किसी भी प्लेस, किसी भी ज्योग्राफिकल प्लेस की अल्टीट्यूड और स्लोप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन में। क्योंकि अगर मान लो एक आधा प्लेस बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड पे है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप स्लोप एरिया है, जैसे माउंटेन हिल वाले साइड में अक्सर ये आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रिसीविंग ऑफ सनलाइट एंड रेन में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिलता है।
और रेनफॉल विंड डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्लेटू रीजन और एज कम्पेयर टू प्लेन रीजन। तो ये जो फैक्टर है जिसको वेदरिंग फैक्टर बोलते हैं, तो वेदरिंग फैक्टर वहाँ पे प्रॉपरली काम न करने के कारण वहाँ की सॉइल एज कम्पेयर टू प्लेन और प्लेटू रीजन डिफरेंट होती है। और वैसे भी वहाँ वहाँ का जो लैंडफॉर्म भी माउंटेनस और हिली होने के कारण भी रेन रेन एक तो बहुत जल्दी वहाँ से रन ऑफ हो जाता है, या तो फिर विंड की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही फोर्सफुली वहाँ पे स्ट्राइक होती है और उसके बाद में आगे जाके वो बहुत वीक हो जाती है। तो ये तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत फास्ट इरोड हो जाती है और उसके कारण वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो रॉक क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे मैक्सिमम सॉइल में सील्ट होता है या तो फिर ग्रैन्यूल्स होते हैं रॉक के, और वहाँ पे एक फाइन सॉइल फॉर्म होने के चांसेस बहुत कम होती है और वहाँ पे ह्यूमस का भी लैक पाया जाता है जो आगे जाके हम अलग अलग सॉइल में देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। तो इसे जो ह्यूमस फॉर्मेशन का जो रेट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें देखनी पड़ती है, जिस सॉइल में जिस लैंड एरिया में आपको फ्लोरा और फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है वो मैक्सिमम दिखे, तो इसका मतलब वहाँ पे उस सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी होगी। तो तभी तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होने के कारण ह्यूमस को कंजम भी किया जाता है, तो लैक ऑफ ह्यूमस भी पाया जाता है। तो ये वाइस एंड वर्सा दोनों दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा जिसको आगे जाके हम थोड़ा सा कवर करेंगे। थर्ड फैक्टर यहाँ पे क्लाइमेट की बात करेंगे, तो क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल और भी बाकी प्रेशर, विंड, ये सब फैक्टर आते हैं। लेकिन हम सालों तक इसको रिकॉर्ड करते हैं कि एक ही पैटर्न में कैसे क्या चल रहा है। तो जैसे हमारे इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, तो मानसून क्लाइमेट में अल्टरनेट सीजन देखने को मिलते हैं आपको, तो उसके कारण भी हमारी इंडिया की जो लैंड है उसका एक तो इरोजन या तो सॉइल फॉर्मेशन उस हिसाब से है। दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो उस टाइप से वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। देन आफ्टर टाइम इन सभी चीज़ों के अलावा एक टाइम की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमने पहले पहले ही बात की थी, इट टेक्स द मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, सॉइल की छोटी सी लेयर फॉर्म होने के लिए बहुत लाखों सालों का इंतज़ार करना होता है या उतना समय लगता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉइल, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सॉइल अलग अलग टाइप की होती है तो उसको स्टडी करना जरूरी हो जाता है। तो ये स्टडी कब से शुरू हुई और आज के डेट्स में सॉइल के कितने टाइप से ये देखना है यहाँ पे। तो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो एंशियंट टाइम में जो फर्टाइल सॉइल होती थी उसको उर्वरा बोलते थे और जो स्टराइल सॉइल होती थी उसे उसरा बोलते थे। फर्टाइल का मतलब है जहाँ पे लोग कल्टीवेशन वगैरह करते थे उस सॉइल को उर्वरा बोलते थे, और जिस एरिया में वो घर वर बनाते थे, अदर एक्टिविटीज करते थे अदर देन कल्टीवेशन, उसको उसरा बोलते थे। उसके बाद में एंशियंट टाइम के बाद में लोगों ने स्ट्रक्चर के आधार पे सॉइल को सॉइल के टाइप्स को डिसाइड करना शुरू कर दिया। तो उसको अलग अलग जैसे सैंडी सॉइल, जैसे क्लेई सॉइल, जैसे सिल्टी सॉइल, लोमी साइल सॉइल, तो ये सॉइल के स्ट्रक्चर के आधार पे लोगों ने इसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। जिस सॉइल में सैंड होता है उसको सैंडी बोलना शुरू कर दिया, क्ले मटेरियल वाले सॉइल को क्लेई, सिल्टी मटेरियल वाले सॉइल को सिल्टी सॉइल, और लोमी मटेरियल जिस सॉइल में पाया जाता है उसको लोमी सॉइल। सो ये याद रखना है आपको कि बेस ऑन स्ट्रक्चर हम सॉइल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बेस ऑन कलर आल्सो, कि कलर के आधार पे सॉइल की स्टडी की गई, जैसे ब्लैक हो गया, रेड एंड येलो हो गया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन जैसे आप आपके सिलेबस में देखोगे कि देयर आर 6 to 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, राइट? तो ये किसने डिसाइड किया? तो इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जाके ICAR, ये याद रखना है आपको,
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, इन तीनों के आधार पर बेस ऑन स्ट्रक्चर, बेस ऑन कलर, सॉइल का क्लासिफिकेशन किया इनटू एट पार्ट्स, राइट। सो फर्स्ट इज अल्यूवियल सॉइल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटराइट, ऑरिड, सलाइन, पिटी एंड मार्शी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, सबसे ऊपर में जम्मू हिमाचल उत्तराखंड का हिस्सा, यहाँ पे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया गया कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है यहाँ पे, राइट, क्योंकि फॉरेस्ट और माउंटेन इस साइड में मैक्सिमम देखे जाते हैं। उसके बाद में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी है जहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन जैसे सिचुएशन है, लेकिन हाइट के अल्टीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की अल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, राइट। देन आफ्टर नीचे जो कलर दिख रहा है आपको, वो आपकी अल्यूवियल सॉइल है। तो अल्यूवियल सॉइल पंजाब, राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद में राजस्थान का आपका ईस्ट पोर्शन, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल और आसाम। तो इन सब एरिया में आपको सॉइल देखने को मिलती है अल्यूवियल सॉइल। इसके अलावा सौराष्ट्र का कुछ हिस्सा जिसको गुजरात बोलेंगे हम, और ईस्ट कोस्ट लाइन और थोड़ा बहुत वेस्ट कोस्ट लाइन में भी देखने को मिलती है ये सॉइल। सो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन, व्हाट इज अल्यूवियल सॉइल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्यूवियल सॉइल, एंड स्टेट द नेम्स ऑफ, राइट द नेम्स ऑफ स्टेट वेयर दिस सॉइल्स फाउंड। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और ये पूछे भी जा सकते हैं, इसीलिए आपको मैप में इसको प्रॉपरली लोकेट करना आना चाहिए और किस किस स्टेट में ये है वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लैक सॉइल देखिए, ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप में आपको देखने को मिलेगी, सौराष्ट्र का हिस्सा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, उसके बाद में आपका छोटे नागपुर के प्लाटू का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम अगर लैटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लैटराइट सॉइल आल्सो मेंशन इन मैप, उसको भी हम देख सकते हैं, जो ब्रिक्स बनाने के काम आती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के काम आती है, तो ये सॉइल भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी ईस्टर्न स्टेट में, देखो ये हिली स्टेट में देखने को मिलती है जहाँ पे हिल वाला ट्रैक होता है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, या छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला, तेलंगाना वाला एरिया, या आंध्र प्रदेश वाला, कर्नाटका वाला रीजन, या हमारे सेवन सिस्टर में नागालैंड, मेघालय, यहाँ पे हिली रीजन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखने को मिलती है इवन इन मालवा प्लेटू। सो ये मैप को स्टडी कीजिए आप, तो बाकी सलाइन, पीटी, मार्शी, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब इसमें बहुत अच्छी तरह से शो किया गया है। बुक में भी इस मैप को दिखाया गया, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए आप और मुझे सेंड कीजिए, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले अल्यूवियल सॉइल को क्या है। अल्यूवियल सॉइल, द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अल्यूवियल सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी तरह से आपका जो एंटायर नदर्न प्लेन है, नॉर्थ साइड का प्लेन एरिया है, वो अल्यूवियल सॉइल से ही बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाई हिमालयन रिवर सिस्टम, और ये जो अल्यूवियल सॉइल या नदन प्लेन बना है वो जो हिमालय माउंटेन रेंज से जो रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है, तो उनके थ्रू जो अल्यूवम फ्लो होके आता है, तो उनके डिपॉजिट्स के कारण ये प्लेन फॉर्म हुआ है, और जो कि अल्यूवियल सॉइल बोलते हैं उस प्लेन में जो पाई जाती है उसको। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टलाइन प्लेन, पर्टिकुलर इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड रिवर। तो अगर अल्यूवियल सॉइल के बारे में पूछा जाता है तो ये पॉइंट उसमें आना ही चाहिए। पहला पॉइंट तो याद रखना है आपको कि ये नदन प्लेन का याद रखना है, उसके बाद में डायरेक्ट आपके ब्रेन में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि डेल्टाज लिखना है। क्या लिखना है? डेल्टाज। तो साउथ में हमारे डेक्कन प्लेटू से जो रिवर्स निकलती है उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स है। तो ये जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है तो जब ड्रेन होने से पहले डेल्टा फॉर्म करती है, तो इस डेल्टा वाले रीजन में 101% जो सॉइल पाई जाती है उसको हम अल्यूवियल सॉइल ही बोलते हैं। तो ये आना चाहिए आंसर में आपके। मैप में देख सकते हो आप, सिर्फ इस मैप में, इंडिया के मैप में अल्यूवियल सॉइल को रिप्रेजेंट किया है।
तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, क्योंकि ये आंसर के साथ में अगर छोटा सा मैप बना लेते हो, ऐसा जरूर नहीं एग्जैक्टली बनना चाहिए, लेकिन कोशिश करना है आपको, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो उसमें आपको ये मेंशन करना आना चाहिए, देखिए इस मैप में बहुत अच्छी तरह से सॉइल को रिप्रेजेंट किया है कि इंडिया के कौन कौन से एरिया में, और अलिवल सॉइल को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, एक पर्टिकुलर रीजन में है और बहुत अच्छी तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। ये बात मेरी याद रखिए, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए वगैरह आता है तो मैप बनाना ही बनाना है आपको, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, सैंड, सील्ट एंड क्ले, ये सब होता है इसमें, सैंड होता है, सील्ट होता है, क्ले होता है, और इसी के कारण ये सॉइल फर्टाइल भी होती है। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें हम, तो इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्रपोर्शन में होता है, और ये शुगर केन, पैडी, व्हीट और जो सीरियल्स है या पल्सेस है, इन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी तरह से आइडियल मानी जाती है, मतलब इन क्रॉप्स को लिया जाता है। और इसीलिए अगर आप बात करोगे कि जो सॉइल फर्टाइल हो और बहुत अच्छे क्रॉप्स वहाँ पे लिए जा सके, तो उस एरिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ आने वाले समय में उस लैंड के ऊपर में क्या होगा, फिर बर्डन भी बढ़ जाएगा लोगों का। तो इसीलिए बाद में पहले तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और उसके बाद में इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने आपने 8 क्लास में 9 क्लास में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये याद रखना है आपके कि इस सॉइल में इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। और इस सॉइल का कलर पैटर्न की अगर बात करें तो लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ये कलर पैटर्न होता है इस सॉइल का, जैसे कि ये रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फरस की बात की है हमने, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि पोटैश बहुत ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस कम होता है। देखो किसी भी सॉइल को जब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, तो सॉइल कहाँ पे पाई जाती है मैप में, उसकी पोजीशन कैसे फॉर्म होती है और फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसका कलर पैटर्न क्या होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम कंटेंट कौन से होते हैं, और उसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैंने ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो भी पॉइंट्स दिए उसको कवर किया है इसमें, राइट, ऐसे अलग अलग करके सब बातें नहीं समझाई है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अभी जो भी चीज़ें मैंने काउंट की वो सभी सॉइल के जितने भी टाइप्स हैं उनके लिए कॉमन चीज़ें, और उनको ही याद रखना है और नोट्स बनाना है आपको, राइट। इसका जो एरिया है, और एरिया आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है जो कि मैंने यहाँ पे कवर किया, उसको अगर मेंशन करूँगी तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, राइट। सो 45.6% ऑफ टोटल सॉइल, जितने भी सॉइल है हमारे इंडिया में, उसके 45.6% सॉइल एलिवल सॉइल है, और ये इसका जो प्रोपोर्शन है सॉइल में सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, राइट। और प्रोपोर्शन पता न होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट भी अपने मन से एक तो फेंक देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं या लिखते नहीं, तो आपको ये बात याद रखनी है। सो बात करते हैं हम, एलिवल सॉइल आर डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, तो इसके एज के हिसाब से एलिवल सॉइल फॉर्म होती है, क्योंकि दो टू टाइप्स में यहाँ पे फॉर्म होती है, पहला जो है उसको हम ओल्ड बांगर सॉइल बोलते हैं, और दूसरा जो है वो न्यू दैट इज हम खादर सॉइल बोलते हैं। मतलब ये जो अलिवल सॉइल मैप में रिप्रेजेंट किए, तो सबसे पहले जो सॉइल फॉर्म हुई होंगी उसको ओल्ड बोलेंगे भांगर, और जो न्यूली फॉर्म हुई है रिसेंटली उसको क्या बोलेंगे हम, खदर बोलेंगे। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में का डिफरेंस। तो फर्स्ट, इट हैज़ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर दैट इज लाइम नोड्यूल्स, भांगर सॉइल में लाइम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कंकर भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली खादर में ये सब नहीं पाया जाता है। इट हैज़ लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर दैन द भांगर सॉइल दैट इज सिल्ट एंड क्ले, राइट, सिल्ट और क्ले मटीरियल होता है उसमें, लेस फर्टाइल दैन खादर, तो खादर से भांगर सॉइल लेस फर्टाइल होती है, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, उसमें ह्यूमस नहीं होता है सिल्ट एंड क्ले मटीरियल ना होने के कारण, और ये भांगर सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होती है सिल्ट एंड क्ले मटीरियल होने के कारण। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल, इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल, दे आर फाउंड इन द लोअर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, रिवर वैली जहाँ पे होती है उसके लोअर रीचेस में पाई जाती है, और इसीलिए वहाँ पे फ्लो अप हो जाने के कारण क्ले मटेरियल नहीं होता है।
दे आर फाउंड इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली फ्लड प्लेन में ये खादर सॉइल पाई जाती है। इट इज नॉट रिन्यूड एवरी ईयर, तो इसीलिए इसको ओल्ड सॉइल बोलते हैं कि रिन्यू नहीं होती हर साल, और ये हर साल रिन्यू होती है बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लड, इसीलिए इसको हम न्यू खादर सॉइल बोलते हैं। इट इज नोन एज दया इन पंजाब, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना आपको कि पंजाब में इसको दया बोला जाता है लोकली। इट इज कॉल्ड बेट इन पंजाब राइट। इट इज नॉट मच सुटेड फॉर कल्टिवेशन, इसमें कल्टिवेशन की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, तो खादर सॉइल में इंटेंसिव टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है। अभी बात करते हैं हम ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल 16.6% टोटल सॉइल में इसका रेशियो है, जो कि हमारे इंडिया में 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। अगर मैप में आप देख रहे हो तो यहाँ पे गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा, मालवा प्लेट्यू, उसके बाद में महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू ट्रैप में बात करेंगे, कुछ सदर्न स्टेट जो है तमिलनाडु कर्नाटका वहाँ पे आपको कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, उसके बाद में उड़ीसा जिसको हम छोटा नागपुर का प्लेटू वगैरह बोलेंगे, आंध्र वाला हिस्सा, यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है इतने बड़े हिस्से में। इट इज़ ब्लैक इन कलर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, ये ब्लैक कलर में होने के कारण इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसमें टिटैनिफेरस मैग्नीशियम होने के कारण इसका कलर ब्लैक होता है, ये याद रखना आपको। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को, वाटर को बहुत अच्छी तरह से बहुत समय तक होल्ड करके रखती है, और इसीलिए जब रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो रेनी सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और इसमें काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, बट पुअर इन फॉस्फोरिक्स, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश ये बहुत अच्छे हैं, तो मैंने पहले भी बताया रिच और पुअर को याद रखना है केमिकल कंपोजिशन में, क्योंकि इसी के ऊपर में डिपेंड होता है आपका कल्टीवेशन और क्रॉप लेना। और इसीलिए यहाँ पे कॉटन के लिए इस सॉइल को बहुत ज़्यादा आइडियल माना जाता है, और कॉटन के कारण इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैक बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो देखो डेक्कन ट्रैक जो है, डेक्कन प्लेटू जो है, उसमें बसाल्ट रॉक पाया जाता है, तो बसाल्ट रॉक का वेदरिंग होने के कारण एक्चुअली ये सॉइल फॉर्म होती है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे लावा की बात की तो लावा से आपको समझ में आया ही होगा कि हमारे क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो मेंटल लेयर है, और इसमें मैग्मा होता है, मैग्मा मोल्टन फॉर्म में होता है, और ये मैग्मा क्रस्ट को हमेशा नीचे से पुश करता है, और जहाँ से भी मतलब इरप्ट होता है ये, तो जब क्रस्ट के बाहर निकल के आता है तब वो हम उसको लावा बोलते हैं, मैग्मा नहीं बोलते। और ये लावा जब ठंडा होने लगता है कुछ सालों के बाद, कुछ मतलब हजारों लाखों सालों के बाद में, और उसके बाद में उसका वेदरिंग होता है, तब जाके ये सॉइल फॉर्म होती है। सो इससे समझ में आता है कि ये कितनी लॉन्ग प्रोसेस है, ब्लैक सॉइल अभी जो फॉर्म हुई है उसको लाखों करोड़ों साल लगे होंगे राइट। द ब्लैक सॉइल आर मेडअप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल दैट इज क्लेई मटेरियल एंड दैट सॉइल इज वेरी फर्टाइल। इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल राइट। तो ये तो है ही कि कोई भी सॉइल हो उसके जैसे पेरेंट मटेरियल के साथ साथ में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉइल को फॉर्म होने के लिए। तो ये तो सेंटेंस आप एज एन कॉमन यूज कर सकते हो बिल्कुल, इसको तो याद करके ही रखो। दीज सॉइल्स आर स्टिकी वेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस, मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत स्टिकी हो जाती है वेटी सीजन में, और इसीलिए इसको फर्स्ट शावर के पहले ही क्या किया जाता है, कॉटन को वगैरह लगाया जाता है इसको, तो ये तो बताने की बात ही नहीं, आप सभी लोग फार्मर हो अच्छी तरह से पता है आपको। तो ये ब्लैक सॉइल के बारे में ही लिखना है, सब सॉइल में मत लिखना आपको। कहाँ कहाँ पे मिलती है ये, महाराष्ट्र सौराष्ट्र दैट इज गुजरात का हिस्सा, मालवा एमपी छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कावेरी रिवर राइट। सो दिस इज द रीजन वेयर दिस सॉइल आर फाउंड राइट, ये याद रखना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो रेड एंड सॉइल कैसे रहती है। सो इट हैज़ द 10.6% प्रपोर्शन एंड स्प्रेड ओवर 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया राइट।
ये जरूर याद रखना है आपको, रेड सॉइल डेवलप्स इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का वेदरिंग होने के कारण रेड सॉइल डेवलप होती है, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब हाइड्रेट और डिहाइड्रेट, उसके कारण इसका रेड और येलो कलर डिसाइड होता है। तो जनरली ये सॉइल किस एरिया में फॉर्म होती है, तो लो रेनफॉल वाले रीजन में। तो याद रखना है, जैसे ही रेड एंड येलो सॉइल की हम बात करते हैं, तो हमारी इंडिया का वो रीजन आपकी आंखों के सामने आना चाहिए जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में रेनफॉल कम होता है, तो वहाँ पे ये रेड एंड येलो सॉइल आपको देखने को मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पाइजोमन जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, मैप में उसको दिखाना है। मैंने यहाँ पे मैप नहीं दिखाया, आप लोग मैप जरूर बनाओगे। दीज सॉइल्स डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन का डिफ्यूजन होने के कारण इस सॉइल का रेड रेड कलर में ये आपको अपीयर होती है, रेड कलर दिखती है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में जो आयरन की मात्रा होती है, उसका डिफ्यूजन होने के कारण ये रेडिश आपको कलर में शो होती है। इट लुक्स येलो, और ये येलो कब दिखती है, वेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म एंड रिच इन द पोटेशियम, राइट। तो पोटेश और पोटेशियम में ये बहुत रिच होती है, और येलो कलर में आपको अपीयर होती है जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होती है। ऑन हाइड्रेट फॉर्म में जब होती है तब रेड कलर, एंड हाइड्रेट फॉर्म में जब होती है तब येलो कलर। ओके, तो ये याद रखना है आपको, दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो क्रॉप की अगर बात करते हैं हम, तो इस सॉइल में राइस, वीट, शुगरकेन, मेज, कॉर्न, ग्राउंड नट, रागी, फिंगर मिलेट जिसको बोलते हैं, एंड पोटैटो, ऑयल सीड्स, पल्सेज, मिलेट्स, फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंगोज, ऑरेंज, साइट्रस, वेजिटेबल्स कैन आल्सो ग्रोन अंडर आइडियल इरीगेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ली जाती है। तो आप ये भी आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हो सर कि रेनफॉल, पहले से ही आप कम रेनफॉल की बात कर रहे हो और ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब कुछ होती है इस सॉइल में, क्योंकि इस सॉइल में आयरन भी होता है, राइट, पोटैश पोटेशियम भी होता है। तो बाकी प्रॉपर इरिगेशन अगर इसको दी जाए, इस सॉइल को, तो इस सॉइल में सब कुछ लिया जा सकता है, राइस, वीट, शुगर केन से लेके फ्रूट्स, मिलेट्स, पल्सेस, पोटैटो, ये सब चीज़ें ली जा सकती है, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट सॉइल, दैट इज लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल स्प्रेड ओवर 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, राइट। तो जैसे कि मैप में दिख रहा है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, जिसको लैटिन भाषा में लैटरेट का मतलब एक्चुअली ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स मतलब पता ही है, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है ये, तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए इस सॉइल को यूज़ करते हैं लोग, तो उसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, ये भी मतलब चिंता का विषय है। तो छोड़िए, इसको पढ़ना है हमें, द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो देखो, जैसे हमने इसके पहले वाले सॉइल की बात की, तो वहाँ पे लो रेनफॉल याद रखना है, तो लैटराइट की जब बात करते हैं तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन वाला एरिया देखना है। तो ट्रॉपिकल एरिया पता ही आपको, इक्वेटर के ऊपर वाला वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, कहाँ तक, 23.5, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, और थोड़ा उसके ऊपर और थोड़े उसके नीचे वाला भी हिस्सा आपको कवर करना होगा। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जहाँ पे अल्टरनेट रेन और ड्राई सीजन देखने को मिलता है। और ऐसे एरिया में अल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन वाले एरिया में आपको डिसीड्यूस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं और ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी चीज़ें साइमल्टेनियसली याद आनी चाहिए आपको। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। तो ये सॉइल क्यों क्यों फॉर्म होते हैं, तो इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन, जहाँ पे रेनफॉल होता होगा, तो बहुत ज़्यादा अगर मान लो वाटर लीचिंग हो रहा है, तो लीचिंग होने के कारण भी वहाँ के जो ग्रैन्यूल्स है वो ओपन हो जाते हैं, राइट, रॉक ग्रैन्यूल्स वगैरह, तो उसके कारण ये लैटराइट सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है। इट इज रिच इन फेरिक ऑक्साइड, इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा, ये याद रखना है आपको। लैटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, तो ये एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 6 के नीचे होता है, वैसे तो 7 के नीचे वाली सॉइल एसिडिक ही होती है, राइट। सो डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर्स मोस्टली सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जैसे कि मैप में देख ही रहे हो आप, जो
जिन जिन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में देखिए स्टेट पूछी जाती है 100% क्रॉप पूछी जाती है, उनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये समझने के लिए बहुत आसान है लेकिन याद भी रखना पड़ेगा आपको। इट सपोर्ट्स एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, राइट। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी अरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। देखो इसमें ह्यूमस तो होता ही है लेकिन जैसे वेजिटेशन जिस एरिया में ना हो या सेमी अरिड एनवायरमेंट हो जहाँ पे मतलब ठीक ठाक रेनफॉल नहीं होता हो, तो ऐसे एरिया में आपको ह्यूमस भी नहीं देखने को मिलता है इस सॉइल में। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, अगर इस सॉइल को कंजर्व किया जाए प्रॉपरली, तो पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड रेड लैटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट्स, रबर एंड कोकोनट, ऑल्सो टेकन बाय प्रॉपर मैन्योर एंड इरीगेशन। तो मतलब यहाँ पे जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की बात की गई है, तो यहाँ पे प्रॉपरली इस सॉइल का कंजर्वेशन किया गया है, प्रॉपर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो टी जैसे कमर्शियल क्रॉप को बहुत अच्छी तरह से लिया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाले हिस्से में भी कैशू नट, रबर, कोकोनट जैसे प्लांट को लिया जाता है, यहाँ पे क्रॉप को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैन्योर और इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल की गई और इस टेक्निक को एडॉप्ट किया गया, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब कल्टीवेशन किया जाता है। सो नेक्स्ट सॉइल इज द अरिड सॉइल। इट कवर्स द 4.32% ऑफ इंडिया, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और स्पेशली पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे सैंड ड्यून्स दिख रही है, तो सैंड ड्यून्स आपको इंडिया के एक ही हिस्से में देखने को मिलती है, राजस्थान वाली, जिसको हम कौन सा डेजर्ट बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है बिलो 15 सेंटीमीटर, इसीलिए उसको एरिड सॉइल बोलते हैं, एरिड अरिड रीजन बोलते हैं हम। अरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर पैटर्न याद रखिए रेड टू ब्राउन कलर होता है, दे आर सैंडी इन टेक्सचर, टेक्सचर इसका सैंडी होता है, सलाइन इन नेचर, साल्ट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है इसीलिए इसको सलाइन इन नेचर बोला गया है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वाटर इवेपोरेशन का रेट भी बहुत फास्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे साल्ट ही बच जाते हैं। और यहाँ पे जो ह्यूमस है, ह्यूमस बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, और अगर लोअर होरिजन की बात करें, सॉइल की लेयर्स की, लेयर्स को हमने वैसे भी स्टडी किया है, तो सॉइल के लेयर में लोअर होरिजन, टॉप सॉइल के बाद में जो सब सॉइल वगैरह होती है, तो सब सॉइल में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण वाटर इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम जनरली यहाँ पे देखी जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन, इसके बॉटम लेयर में कंकर फॉर्मेशन होते हैं, और इससे क्या होता है वाटर इनफिल्ट्रेशन, वाटर इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी नहीं देखा जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम्स कल्टिवेबल, लेकिन प्रॉपरली इरिगेशन की यहाँ पे व्यवस्था की जाए तो यहाँ पे कल्टिवेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है, कल्टिवेशन की जा सकती है। सो मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, दैट इज थार डेजर्ट एरिया। सो नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट सॉइल एंड इट इज स्प्रेड ओवर इंडिया, इन इंडिया 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंट में अगर बात करें तो 8.6% है टोटल सॉइल के, राइट। दिस सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया, जैसे कि सबसे पहले बात की थी हमने मैप में कि जहाँ पे हिली और माउंटेनियस रेंज है वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है, और सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, और जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे खास करके फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म, और इसका टेक्सचर जो होता है वो अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि उस माउंटेन की हिल की अल्टीट्यूड कितनी है और किस एरिया में, वहाँ का रॉक पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से सॉइल का टेक्सचर होता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली, अगर किसी वैली वाले साइड में आप माउंटेन्स या फिर फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैली हो, वैली किसको बोलते हैं हम, दो माउंटेन या दो हिल के बीच वाला जो पोर्शन होता है, डीप पोर्शन, उसको हम वैली बोलते हैं, जहाँ पे फ्लैट एरिया होता है, राइट। दो माउंटेन, द एरिया बिटवीन टू माउंटेन और हिल, फ्लैट एरिया, राइट,
उसको हम वैली, जैसे आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कश्मीर वैली, राइट। तो कश्मीर वैली पाकिस्तान साइड और इंडिया के साइड में जो माउंटेन रेंज है उसके बीच वाला प्लेन एरिया, दैट इज कश्मीर वैली, राइट। तो ऐसे याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पे मतलब जो सॉइल मिलती है आपको वैली वैली वाले साइड में, दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, राइट। कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, और जो माउंटेन हिली साइड के जो स्लोप होते हैं वहाँ पे कोर्स ग्रेन होती है, काफ़ी सख्त होती है और ये एसिडिक इन नेचर होती है। तो इसके अगेंस्ट में काम करोगे तो कल्टीवेशन प्रॉपर्ली फ्रूट के लिए वगैरह ये काफ़ी फेमस होती है ये वैली। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, जहाँ पे हिमालय की बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ है, पीक्स है, तो उस एरिया में हमेशा साल भर स्नो से ये एरिया कवर रहता है। दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डीन्यूट्रिशन। डीन्यूट्रिशन का मतलब क्या, कवर करना। न्यूट का मतलब क्या होता है, ओपन करना। डीन्यूट्रिशन का मतलब होता है कवर। एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। तो 101% जो जिस सॉइल का हिस्सा हमेशा स्नो से या कोई दूसरी चीज़ से अगर कवर हो, डीन्यूटेड हो, तो उसमें ह्यूमस होना पॉसिबल ही नहीं है और वो बाकी कारणों के कारण एसिडिक इन नेचर हो जाती है। तो उसमें कोई मतलब कल्टीवेशन वगैरह नहीं किया जा सकता। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, और ये जो वैली है वैली के लोअर पार्ट में जो सॉइल पाई जाती है ऑन द रिवर टेरेसेस, जहाँ पे रिवर टेरेसेस हो उसमें एल्यूवल्स होते हैं और उसके कारण एल्यूवम होने के कारण वो सॉइल फर्टाइल होती है। तो आई होप कि फॉरेस्ट सॉइल में आप अच्छी तरह से फॉरेस्ट सॉइल आपको समझ में आई होंगी कि ये जहाँ पे हिली और माउंटेनियस एरिया होता है, रेन फॉरेस्ट होती है सफिशियंट वहाँ पे पाई जाती है वहाँ, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू माउंटेन हिली साइड का जो अल्टीट्यूड्स है, रॉक पैटर्न है, उसके आधार पे डिवाइड हो जाता है। ये वैली वाले एरिया में लोमी और सिल्टी होती है और लोअर पार्ट ऑफ वैलीज में ये जनरली रिवर टेरेसेस जहाँ पे होती है वहाँ पे एल्यूवम फैंस फैंस आपको देखने को मिलती है, मतलब बेल्ट देखने को मिलती है। ये एसिडिक इन नेचर होती है, जिस एरिया में स्नो से डिन्यूड होती है, कवर होती है, उस एरिया की बात करें तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। देखो जिस जिस साइड में मैंने क्रॉप को कवर नहीं किया, आप क्रॉप को कवर करोगे 101%। मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए जानबूझ के छोड़ी है जिसको आप कवर करोगे और सेंड भी करोगे मुझे। अब लास्ट टॉपिक देखना है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात करेंगे, द डीन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, राइट। सॉइल का जो कवर है उसको डीन्यूट करने की प्रोसेस, डीन्यूट करने मतलब कवर करने की, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। देखो सॉइल है, सॉइल के ऊपर में कुछ लेयर फॉर्म हो रही है और सॉइल की लेयर को वॉश वॉश सॉइल की लेयर वॉश डाउन भी हो रही है। तो ये कलेक्टिवली कॉन्सेप्ट होता है सॉइल इरोजन। ऐसा नहीं कि सॉइल की लेयर वॉश आउट हो रही है उसको ही हम सॉइल इरोजन बोलेंगे। सॉइल मतलब ये अल्टरनेट चलता रहता है। सॉइल सॉइल के टॉप लेयर को कवर भी किया जाता है और उसको वॉश आउट भी किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है। तो कलेक्टिवली हम बोलेंगे इसको सॉइल इरोजन। ओके, इज डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड फॉर्मेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड देयर इज जनरली बैलेंस बिटवीन टू। और इसीलिए बोला जाता है ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होती है सॉइल की और इरोजन की, ये साइमल्टेनियसली नेचुरली चलती रहती है और इसमें एक बैलेंस होता है। लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इसका जो इरोजन होता है नेचुरली, उसकी स्पीड हमने एग्रेवेट कर दी है, उसको बढ़ा दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं तो रोकना चाहिए हम लोग। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाटर लॉगिंग हो रहा है यहाँ पे, वाटर के कारण बहुत बड़ा है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है, मतलब यहाँ पे सॉइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, राइट। और सॉइल सॉइल यहाँ से क्या होगी, वाटर से फ्लॉक हो जाएंगे। दूसरे पिक्चर में देखोगे यहाँ पे विंड और वाटर के कारण इरोजन हुआ है, यहाँ पे गुलिस फॉर्म हुई है, राइट। बहुत ज़्यादा डीप कैनल्स देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डीप कैनल्स है और यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स है। तो ये वाटर इरोजन के एग्जाम्पल्स है ये पिक्चर में जो दिखाया गया है। तो देखते हैं कि इसके कारण कौन कौन से कारण में हम ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट है नेचुरल वेजिटेशन है वो अपने रूट से सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगर हम फॉरेस्ट को ट्रीज को निकाल देंगे, साफ कर देंगे, तो उस सॉइल को होल्ड कौन करके रखेंगे। और अगर सॉइल को होल्ड करने वाला नहीं है
ये जो वेदरिंग फैक्टर है, वेदरिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा, उस सॉइल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके रेट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवर ग्रेजिंग जैसे जो फार्मर लोग होते हैं या एनिमल रियरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, अपने कैटल्स को ग्रेस करवाते हैं किसी लैंड के ऊपर में जहाँ पे ग्रास या फोडर होता है, तो कैटल क्या बार बार एक ही लैंड पे, एक ही लैंड के हिस्से में आप ग्रेजिंग करवाओगे तो एनिमल क्या करते हैं, वो अपरूट करते हैं ग्रास को। अपरूट करने के कारण वो सॉइल जो होती है वो रूट के साथ में आ जाती है और वो एक जगह से फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और वो सॉइल की जो लेयर होती है जो थोड़ी सी सख्त होती है रूट के कारण, वो ढीली होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वर्क में भी सॉइल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम डिगिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, तब बहुत ज़्यादा सॉइल को, बोल्डर्स को निकाला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, और बाद में वेदरिंग फैक्टर के कारण उसका बहुत ज़्यादा मतलब इरोजन होता है। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, बहुत सारे ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग करने के कारण भी सॉइल क्या होती है, इरोड होती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है आपको लिखना है यहाँ पे, और भी कुछ केमिकल इन्फ्लुएंस है उसके कारण भी, जैसे लैंड का इरोजन होता है वैसे सॉइल का, लैंड का सॉइल डिग्रेडेशन होता है, इरोजन तो नहीं बोलेंगे हम, तो सॉइल का भी इरोजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको पता होंगे, वो फैक्टर भी आप इसमें याद कर सकते हो, लेकिन ये तो फैक्टर कंपलसरी है, इसको तो उसमें लिखना ही लिखना है आपको। ओके, सो देखते हैं कि शीट इरोजन क्या होता है। तो शीट इरोजन में समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लैंड का जो स्लोप वाला एरिया होता है, जब वहाँ से वाटर फ्लो होता है और वहाँ पे कोई अगर बैरियर ना हो, तो बैरियर न होने के कारण टॉप सॉइल फ्लो अप हो जाती है। इन सच केसेज द टॉप सॉइल इज वॉश अप, दिस इज नोन एज द शीट इरोजन। तो ये शीट इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके अलावा विंड इरोजन भी होता है, हवा के कारण भी टॉप सॉइल जो होती है वो फ्लो अप हो जाती है, राइट? तो वो भी याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे गुली गली की बात की है, गुली या गली बोलती है इसको, अनफिट लैंड फॉर कल्टिवेशन, तो गुली वाला एरिया हमेशा अनफिट होता है, इसको बैड लैंड भी बोलते हैं, और ये जनरली हमारे इंडिया के चंबल बेसिन में पाई जाती है। जैसे पिक्चर नंबर 2 में देख रहे हैं तो ये गुली है, राइट? तो ये क्या होता है, डीप चैनल्स बोलते हैं इसको। डीप चैनल मतलब ये 0.6 मीटर से भी ज़्यादा डीप होते हैं, राइट? तो चैनल्स का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो, किसी सरफेस पे आप वाटर छोड़ दो तो वाटर अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा तो और फ्लो होने लगेगा, तो जो भी ब्रांचेस बन रही है मेन सोर्स से तो उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल्स बोलेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली अगर वाटर आप छोड़ते रहोगे तो उसके कारण उस सॉइल में क्या होना, इरोजन होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आपको चैनल्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चैनल्स जब 0.3 मीटर तक होते हैं, राइट, तो उसको हम गुलीज नहीं बोलते और उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 0.3 से ज़्यादा, 3 मीटर से ज़्यादा जब डीप हो जाते हैं तब उसको हम गलीज बोलते हैं, और ज़्यादा डीप होने के बाद में हम उसको वैलीज भी बोलते हैं, राइट? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सो देयर आर द 4 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन विच आर, नंबर 1, कॉन्टोर फ्लोइंग। सो ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में देखिए ये स्लोप एरिया पे फार्मिंग की जा रही है, तो स्लोप एरिया में यहाँ पे फ्लोइंग किया गया है। तो फ्लोइंग करने से क्या होता है कि जो ऊपर वाले एरिया से जो वाटर क्या होगा, रन होगा, तो अपने साथ में वो सॉइल भी लेके आएगा। तो इस सॉइल को, इस कौन जहाँ पे फ्लोइंग किया है हमने इस एरिया में, वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से रन ऑफ नहीं होगा, तो प्रॉपरली ये सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह इस लोअर एरिया में भी, तो मतलब हम एक बात टेक्निकली अगर बोले तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फार्मिंग मेथड, अभी डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड को हम काउंटर फ्लोइंग से क्या कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं। काउंटर फ्लोइंग में क्या किया जाता है, जो स्लोप एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर फ्लोइंग की जाती है। परपेंडिकुलर फ्लोइंग करने से क्या होगा, जो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है सॉइल का, तो वो रुक जाएगा इस एरिया में आके और आपकी सॉइल इरोड होने से बच जाएगी, राइट? सेकेंड थिंग इज टेरेस बिल्डिंग। तो ये जनरली जहाँ पे माउंटेनस एरिया होता है, हिली एरिया होता है, वहाँ पे टेरेस बनाए जाते हैं, और टेरेस बनाने के कारण यहाँ पे सॉइल इरोड होने से बचाई जा सकती
तो यहाँ पे जैसे आप कर्नाटका या आसाम वाले ये स्टेट में या तमिलनाडु वाले स्टेट में यहाँ पे कॉफ़ी की चाय टी के वगैरह गार्डन मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे टेरिस क्रॉपिंग की जाती है, इवन उत्तराखंड वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। सो पिक्चर से आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसे इस डायग्राम में देखिए आप मेज, सोयाबीन, ओट, इन सभी क्रॉप को एक साथ में लिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक क्रॉप का हार्वेस्टेशन करने के पहले दूसरे क्रॉप को वहाँ पे कल्टीवेट कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो अल्टरनेट आपके सॉइल का इरोजन होने वाला होता है, जो सॉइल का इरोजन होने वाला होता है उसको बचाया जा सकता है, राइट। मतलब जो भी वेदरिंग फैक्टर्स है, उन वेदरिंग फैक्टर के कारण उस सॉइल के ऊपर में कुछ खास मतलब ये नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। तो ये भी मेथड काफ़ी फेमस मेथड है और इसको इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है। शेल्टर बेल्ट एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, आपके क्रॉप के जो आपकी लैंड फार्म की बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री में बड़े बड़े प्लांट्स को लगाया जाता है। उसके कारण जो विंड की डायरेक्शन है, विंड में जो फोर्स होता है उस फोर्स को कम किया जाता है और उसके कारण आपके क्रॉप को भी बचाया जाता है, और विंड से जो सॉइल इरोजन होने वाला होता है या बाकी जो फैक्टर है वेदरिंग फैक्टर, उससे जो सॉइल इरोजन होने वाला होता है उसको रोका जाता है, स्पेशली विंड से होने वाले इरोजन को रोका जाता है। लेकिन अगर आप खेत के साइड में किसी भी लैंड बॉर्डर पे अगर शेल्टर बेल्ट लगाओगे तो उससे बाकी फैक्टर को भी मतलब बहुत ज़्यादा एज एन बैरियर हम उसको रोक सकते हैं। तो इस डायग्राम से आपके समझ में आया ही होगा। सो दीज आर द फोर मेथड्स, आपको याद रखना है, बिल्कुल रख लेना है। तो डायग्राम से इसको समझ लेना है, बाकी आपको उसको रख लेना है, ओके। सो आई होप अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद में हम जूम पे कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को और अच्छी तरह से कवर करें, और बाद में आने वाले चैप्टर को जैसे आपने कवर किया ही है घर में तो उसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी द होमवर्क। तो इस होमवर्क का आप स्निप ले लीजिए फटाफट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, राइट। ऑन दिस स्लाइड देर आर द 8 क्वेश्चन, अनदर 8 क्वेश्चंस आर कमिंग सून, राइट। स्निप ले लो आप लोग, व्हाट इज सॉइल, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ सॉइल आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स, नेम 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, नेम वन मेजर रीजन वेयर इट इज फाउंड। सो ये क्वेश्चन है, आई विल नॉट रीड, टेक अ स्निप। एंड दीज आर अनदर क्वेश्चन, राइट टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ब्लैक सॉइल, नेम 4 स्टेट वेयर दे आर फाउंड, नेम द क्रॉप मेनली ग्रोन इट। एग्जाम में पूछा गया था, मैंने लिखा नहीं है उसके आगे, लेकिन आप समझ जाओ एग्जाम में आया था क्वेश्चन। राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल, 2015 में पूछा गया था। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें सारे बोर्ड के क्वेश्चन कवर कर दूंगा आपको, जैसे MCQs के साथ साथ में 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब में तो आप मैसेज करके बताइए लाना है कि नहीं लाना, इससे काफ़ी मदद होगी, आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा, राइट। सो स्निप ले लो आप इसका भी, स्निप समझ रहे हो ना आप, स्क्रीनशॉट, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।